खबर रणथंबोर से। एनटीसीए एवं मुख्य वन जीव प्रतिपालक के आदेशों की पालना करते हुए टाइगर T-104 को इमोबिलाइज किया गया और सज्जनगढ़ के लिए रवाना किया। इमोबिलाइज के दौरान DCF श्री मोहित गुप्ता एवं अन्य स्टाफ भी रहा मौजूद। खबर मध्य प्रदेश से। इंदौर के महू के आर्मी वार कॉलेज के कैंपस में एक बाघ CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद से कॉलेज कैंपस में हड़कंप मच गया। वहीं वन विभाग ने टाइगर का तलाशी अभियान प्रारंभ कर दिया है। उत्तर प्रदेश के जंगल में एक अजगर एक बड़े चीतल हिरण को निगल गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और संरक्षणकर्ता सैमुअल सिंह ने शेयर की जंगल से ये रोमांचक फुटेज। राजस्थान के अजमेर के अजयपाल हिल पर फिर दिखा लेपर्ड का मूवमेंट। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाने का दावा किया, वहीं वन विभाग ने अभी नहीं की मामले की कोई भी पुष्टि। मुंबई के RA कॉलोनी के रॉयल पाम रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ दीवार पर बैठा नजर आया। इस दौरान स्थानीय लोग लेपर्ड का वीडियो बनाते नजर आए। मुकुंदरा में चीता बसाने को लेकर आज सांगोद विधायक एवं स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड मेंबर श्री भरत सिंह होंगे मीडिया से रूबरू। गुजरात के अमरेली में दो अलग अलग घटनाओं में शेरनी और तेंदुए ने दो बच्चों की जान ले ली। जहां तेंदुए को पकड़ लिया गया, वहीं शेरनी की तलाश जारी है। खबर रणथंबोर से। रणथंबोर मगरमच्छ के हमले से बच निकला सांभर, हवा में कूद कर बचाई जान। इस रोमांचक क्षण को डॉक्टर श्री धर्मेंद्र खांडल ने किया अपने कैमरे में कैद। कूनो के बाद मध्य प्रदेश का गांधी सागर अभ्यारण हो सकता है चीतों का नया घर। राजस्थान के मुकुंदरा को फिर लग सकता है झटका। पुणे में 7 फीट लंबी दीवार बांधकर कुत्ते को उठा ले गया तेंदुआ। घटना हुई CCTV कैमरे में कैद।